यार एंजॉय कीजिए, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। मैम आपका हो गया? हाँ जी, आइए मेरे साथ दूसरे रूम में। आप इधर बैठ जाइए जी। दिस इज ब्लेंड बी। आप फिर से पोर करके एंजॉय कीजिए आपकी चाय, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। हेलो सर, मैं थोड़ी जल्दी आ गई, सोचा आपके साथ मैं भी चाय पी लेता हूँ। अनुज। हाय अनुज, आपसे कुछ सवाल करने हैं। आप मुंबई से ही हैं? Born and raised in Mumbai, yeah. आपको गर्मी नहीं लग रही? बैंक में काम करता है। बिल्कुल। काफी सारी चाय पीनी पड़ती होगी ना एक दिन में? बिल्कुल। कविताएं लिखने के लिए चाय सबसे बढ़िया साथी है। पिकनिक ऐसा होता था कि हम जाते थे और वहां पे खाना बना के खाते थे। मुंबई आने के बाद पता चला पिकनिक रिसॉर्ट्स में होते हैं। आई प्ले द ड्रम्स। तो क्या आप कुछ गा सकते हैं, एक दो लाइन? फॉर्म में लिखा था कि आप बहुत क्लोज हैं अपने हस्बैंड से। बहुत ही, वो मिल में सर्विस करते थे। अच्छा, कभी नहीं है वो। आपको याद आती है उनकी? आएगी ना। मैं ऑफिस से आने से पहले वो आते थे, शिफ्ट ड्यूटी होती थी ना, वो आके चाय बना के रखते थे और मैं आती थी 6:30 बजे। 6:30 तक चाय नहीं लेते थे। आपने दो ब्लेंड्स टेस्ट किए, ब्लेंड ए, ब्लेंड बी। कौन सा ज्यादा अच्छा लगा? मुझे ब्लेंड बी अच्छा लगा। आई थिंक ब्लेंड बी। ब्लेंड ए। ब्लेंड बी, इसमें फ्लेवर ज्यादा है। ब्लेंड बी। एक मजे की बात बताओ, क्या दोनों ब्लेंड सेम ही थे? ओ एवरीथिंग वाज द सेम बिकॉज़ दे मेड टुगेदर।